क्या अरेंज मैरिज चलती है? माधुरी दीक्षित 1999 में अपने करियर के टॉप पर थी, पर उन्होंने प्रॉमिस करा था कि शादी अपने घर वालों की मर्जी से करेंगे। जब उन्हें लॉस एंजलिस से डॉक्टर श्रीराम का रिश्ता आया तो घर वालों ने मंजूर कर दिया। मिलने के बाद माधुरी मैम को क्लियर हो गया कि वही उनका पार्टनर है, तो वो कुछ साल अपना करियर छोड़कर US में रहकर अपनी शादी को चलाया। लोगों ने उन्हें बहुत रोका और बहुत उल्टा सीधा भी कहा, पर उन्हें एक सीक्रेट पता था, वो काम से दूर जा सकती है पर उनका काम उनसे कभी दूर नहीं जाएगा। 11 साल के बाद उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को सेट करके दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा और आज 21 साल के बाद दोनों बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रही है।